इस वक्त महाराष्ट्र की क्या स्थिति है ये आपको बताना जरूर चाहेंगे, क्योंकि कंप्लीट लॉकडाउन के फेज में जाने की महाराष्ट्र सरकार तैयारी कर रही है, ये साफ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है और इससे ये उम्मीद की जा रही थी कि संक्रमण जो है वो थोड़ा कम होगा, लेकिन फिलहाल जो आंकड़े हैं वो इसकी गवाही नहीं दे रहे। शनिवार रविवार पूरे एमपी में, पूरे मध्य प्रदेश में लॉकडाउन लगाया गया है, ये भी जानकारी आपको दे दें। एमपी के 12 शहरों में 10 से 12 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी बहुत तेजी से संक्रमण पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है और छत्तीसगढ़ का हाल तो बहुत बुरा है। रायपुर में 19 अप्रैल तक सख्त लॉकडाउन लगाया गया है, कंप्लीट लॉकडाउन है ऐसा आप कह सकते हैं, क्योंकि हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। और किन राज्यों में लॉकडाउन का डर है ये जरा हम आपको बता दें, किन किन राज्यों में इस वक्त आंकड़े इतने ज्यादा हैं कि सरकारें कंप्लीट लॉकडाउन के फेज में जाने पर सोच रही हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा, ये वो तमाम राज्य हैं जहां पर कंप्लीट लॉकडाउन की तलवार लटक रही है, क्योंकि तमाम कोशिशें जो हैं वो इस वक्त की जा रही हैं और तमाम कोशिशें करके देख भी ली गई, लेकिन उसके बावजूद भी संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में आने वाले वक्त में इन राज्यों में कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जा सकता है, ये आशंका है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।